जोधपुर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है, 26 अप्रैल को मतदान है। उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां अपना पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी को देखते हुए आज योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज यहां पर रोड शो किया, करीब 2 किलोमीटर का रोड शो था। रोड शो में शामिल हुए लोगों से बात करते हैं, किस तरह का माहौल था, लोग आवाज साथ कुछ लोग है। क्या नाम है भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम नाम योगी आदित्यनाथ जी आए थे, कैसा लगा? देखा आपने? देखा, बहुत अच्छा माहौल लगा, कुछ कुछ माहौल लगा, अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माहौल लगा। क्या लगता है किसका पल्ला भारी है यहाँ पे? बीजेपी का, कमल का, मोदी जी का पल्ला। योगी जी आने से कुछ मजबूती मिलेगी? योगी जी के आने से बहुत 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 मजबूती। क्या मैम कैसा लगा योगी जी को? बहुत अच्छा लगा, हम तो 4 बजे आके बैठ गए और साल ताला भी लेते हैं। अयोध्या गए थे आप? नहीं गए, आप जाने वाले मई में जाएंगे। हाँ, अब जाएंगे मई में। क्या लगता है मजबूत मिलेगी? कुछ तो मिले, मिल गई समझो, मिल गई पूरी पूरी। कितने है ना हम साथ में ना, एक साथ जुट होके आया ना सब मिलके, मिल गई मजबूत एकदम पक्का। क्या लगता है भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुकुम सिंह एडवोकेट हूँ मैं, और जो आज का माहौल है बहुत ही अच्छा है, जोरदार हुआ है, पूरा भगवा में ही हो गया है। ऐसा लगता है कांटे के चक्कर बताई जा रही थी यहाँ? नहीं, ऐसे कांटे के चक्कर नहीं है, बिल्कुल एक तरफा है, जोधपुर की सीट एक तरफा है, कोई कांटे के चक्कर नहीं है। आज का माहौल देख के लगता है कि भगवान ने ये जो आज का माहौल है बहुत ही सुंदर है। योगी जो है जोधपुर जनता, मैं सोचता हूँ की सभी सब बीजेपी को वोट देंगे, और इस माहौल से लगता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं किस तरह का माहौल था। क्या नाम है भैया आपका, क्या नाम है? गजेंद्र लियावल। देखा योगी जी को? देखा आपने? जी सर। किस तरह का माहौल लग रहा है? माहौल तो ठीक ही लग रहा है वैसे। योगी जी से आने से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को वोट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? और तो जोधपुर में तो बीजेपी नहीं आएगी। नहीं आएगी? क्यों, ऐसा क्यों लगता है? माहौल नहीं है अभी बात। नहीं सर, बीजेपी आएगी नहीं, माहौल नहीं है अभी बात। क्यों माहौल क्यों नहीं लग रहा है? जैसे विकास वगैरह नहीं हुआ है, गजुबंधा ने विकास वगैरह नहीं किया, 10 साल हो गए। भीड़ तो काफी थी, आप देखे क्या क्या लगता है कितनी भीड़? कोस नहीं होता, भीड़ सबकी होती है। जैसे हम तो ने ऐसे बुक लेने के लिए आए थे, क्या पढ़ाई करते हो? मैं रेट की तैयारी करता हूँ। अच्छा, ये पेपर लीक मामले में अब बीजेपी कह रही है हमने तो एसओजी से जो पेपर नकल थे उनको पकड़ा, उसको इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? सर वैसे है ना, पेपर तो लेक सभी के होते हैं। जैसे है ना, आप बोलते हैं कि राजस्थान में होते हैं, राजस्थान में नहीं और भी होते हैं, और स्टेट में भी होते हैं पेपर तो, हर बीजेपी के राज में और स्टेट में पेपर लीक होते हैं। तो राज्य सरकार अच्छी थी आपको लगता? कांग्रेस की आप अच्छी थी? क्या चाहते हो आप, जो भी सरकार बने वो क्या काम करे युवा के लिए? सर बेरोजगारी दूर करे वैसे पहले तो। क्या नाम है भैया आपका? भागीरथ। क्या लगता है योगी जी आए तो देखा कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी, योगी जी मजबूती नहीं दिला पाएंगे? योगी जी यहाँ क्या करे, ये तो ही जय श्री राम, योगी वोट तीन नारे पे, काम की तो कोई बात ही नहीं। नहीं, रोड शो करना है तो लगता नहीं कि गजेंद्र सिंह जी को ताकत मिलेगी? काम की बात करें वोट जरूर मिलेंगे, योगी और मोदी के नाम पर वोट तो बहुत कम। विकास के नाम पर वोट, विकास के नाम पर प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार लाओ। सरकार की सरकार ये कह रहे हैं कि 10 सालों में हमने खूब विकास किया, क्या किया थे? जल मंत्री थे, किसी भी गांव में जाओ हर गांव में पानी की प्रॉब्लम है। ये जल मंत्री इनके खुद के क्षेत्र में पानी की प्रॉब्लम हो रही है। आप कहाँ, शहरी क्षेत्र में रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र लगता है। कहाँ से आते हैं आप? मैं आपका पोखरण विधानसभा से। पोखरण में किस तरह की स्थिति है पानी की? पोखरण में देखो 55-45 का आंकड़ा है, कांग्रेस 55-45 गजेंद्र सिंह जी। पर आपके यहाँ से तो बीजेपी के विधायक चुने गए? विधायक चुने गए, वहाँ के लोकप्रिय है, उस क्षेत्र के लोकल लोकप्रिय है। गजेंद्र सिंह जी मुश्किल है? मुश्किल है, हमारे क्षेत्र में तो बहुत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ आए थे उनको काम की बात की तो गुस्सा हो गए, बात ही नहीं की जय श्री राम मोदी बोले तो हमसे गए तो राम भक्त कौन हो गए? हम नाम में भी राम लगाते हैं, बोलते हैं ना अभिवादन के लिए, तब राम राम बोलते हैं। तो योगी जी से आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला? योगी जी अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं, यहाँ स्थानीय, यहाँ क्षेत्र के स्थानीय लोगों को हम
मौका देते, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है? जोशी। क्या लगता है योगी जी से, योगी जी को देखा अभी? देखा साहब। किस तरह का आपको क्या लगता है, योगी जी ने रोड शो किया, कुछ मजबूती मिलेगी बीजेपी को? 100% मजबूती मिलेगी। और इसमें जो शासन है प्रशासन पूरा डंडोल रहेगा, अपराध कम होंगे और अपराध में भय रहेगा। और मेन जो बोलता है रामराज्य स्थापना होगी, रामराज्य स्थापना बीजेपी शासन में संभव है, कांग्रेस में क्यों नहीं संभव है? क्यों संभव? क्योंकि वो भ्रष्टाचार में, भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। राम नाम करो वो तो अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन सब राम यानी हिंदू मुस्लिम सब बराबर है। अच्छा, बीजेपी की 3 महीने से सरकार यहाँ आ गई, 3 महीने से राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, आपको लगता है भ्रष्टाचार और क्राइम कम हुआ है? अभी शुरुआत है साहब, अभी अच्छी में जो वो आए ना, जो अभी अगली अगली राजनीति आई है, जो भजन लाल जी आए हैं उनका इंटेंशन क्या था कि अभी आगे लोकसभा चुनाव है, तो उन्होंने किया है काम, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ मौलम साहब काम किया है और काम चले, भजन लाल जी ने, आज द्रव जी ने जाते रही है, जो पेपर लीक टाइम थे उन्होंने जहाँ से कितने गिरफ्तार हुए हैं, इससे भजन लाल जी सेवा करने काम है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम बाबूलाल जी है। और आपकी बीजेपी के अंदर बहुत उत्साह है और बीजेपी आएगी, जैसा कि यहाँ पर बहुत जालौर गेट पर जिस तरह एक मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई थी, ऐसे पत्थरबाजी हुई थी, उसको देखते हुए थोड़ा कम हुआ है। बीजेपी सरकार आई है और जगह जगह पत्थरबाजी होती है, जब ये रैली और आस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है और माताओं बहनों को बच्चों को भी नहीं देखा जाता, उन पर पत्थर फेंके जाते हैं और लहूलुहान, मतलब इस तरह इसका इफेक्ट लोकसभा चुनाव पे भी पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल। देखिए क्राइम भी बहुत कम हुआ और इस पर लगाम बहुत कसीजेगी। और जो मोदी यहाँ पे तो कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है, लेकिन इसमें आएगी बीजेपी, अपनी मन बना लिया है। बिल्कुल आने वाले समय में भी बीजेपी आएगी और अभी भी बीजेपी आएगी। भाई साहब क्या नाम है? ललित पावानी, पूर्व चौपासी मंडल अध्यक्ष भाजपा। क्या लगता है योगी जी आए थे आज, मजबूती मिलेगी? बहुत जोरदार माहौल है, आप देख रहे हैं जालौर गेट में चारों तरफ इतनी भीड़ है और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, यहाँ तक कि जनता में खुशी की लहर है। अब की बात 400 पार है और गजेंद्र शेखावत यहाँ पे तो कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कोई कांटे की टक्कर नहीं है, गज्जू बन्ना 5 लाख वोटर जीतेंगे। आप एक तरफ माहौल देख रहे हैं, यहाँ पे लोग मोदी जी को चाहने में बिल्कुल आ चाहते हैं, यहाँ कोई विकल्प नहीं है कांग्रेस के लिए। लगातार जो है अनेक माध्यम से गजेंद्र सिंह जी को घेरा जा रहा है, खास कर घोटालों को लेकर, क्या कुछ करेंगे? देखिए ऐसी बात है, कोई घोटाला है नहीं, उन्हें जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस सरकार हमेशा उनको घेरती आई है, खास कर अशोक गहलोत हमेशा उनके पीछे पड़ रहते हैं क्योंकि उन्होंने जोधपुर में उनके पुत्र को यहाँ पे हराया था, वैभव गहलोत को, भारी मतों से। उस चक्कर में वो हमेशा उनसे पक्षपात करते रहते हैं। और गज्जू बन्ना यहाँ से 1 साइड जीतेंगे, 6 लाख ऊपर वोटों से उनकी जीत होगी। ये थे योगी जी की सभा में आने वाले कुछ लोग, जिन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ के यहाँ जोधपुर दौरे और रोड शो के बाद में जो कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, कहीं ना कहीं भाजपा को मजबूती मिलेगी और 26 अप्रैल को भाजपा के समर्थन में मतदान होगा। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।